तो हे गाइस यार, वेलकम बैक टू यूरेका गेमर्स। तो गाइस यार, बीती एक वीडियो मैंने आप लोगों से बात की थी कि कैसे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपना गेमिंग करियर जो है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड उस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था फेसबुक गेमिंग के बारे में, एंड प्रॉमिस किया था कि फेसबुक गेमिंग पे लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल के थ्रू, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस यार, ये वीडियो यार उसी के बारे में है। एंड आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन से इवन कैसे यार फेसबुक गेमिंग पे डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम कर सकते हो विदाउट एनी एल्गाटो, विदाउट एनी कैप्चर कार्ड, विदाउट एनी पीसी। तो भाई यार, इस वीडियो में पूरा बने रहना और वीडियो कहीं भी बिल्कुल स्किप मत करना। स्किप करोगे फिर कोई पार्ट रह जाएगा, आपका होगा नहीं, फिर आप बोलोगे भैया गलत वीडियो बना दिए। तो गाइस यार, बढ़ते हैं यार आज वाली वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो गाइज यार, इस वाले मेथड को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक गेमिंग ऐप जो है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं। एंड जो गेम आपने यार अपने फेसबुक लाइव से अपने फेसबुक पर चढ़ानी है भैया, वो आपके गेम फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। जैसे मेरे फोन में पबजी, फौजी और कोरियन वर्जन जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आपने कुछ ज्यादा नहीं करना भैया, आपने आना है अपने ऐप ड्रॉअर में एंड शुरू करना है यहाँ से फेसबुक गेमिंग ऐप। तो भाई इसको सेटअप कर लेना यार स्टार्टिंग में, क्योंकि भैया इसको सेटअप करने में थोड़ा सा मतलब लाइक टाइम लगेगा, आपको अपने गेम फेसबुक से लॉगिन करना वगैरह वगैरह, मैं वो सब कर चुका हूँ। इसके बाद आपने यहाँ नीचे आके भैया इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एंड आपको मेरे सामने मेरी गेम दिख रही है भैया जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, पबजी मोबाइल। अगर आपकी गेम आपको यहाँ नहीं मिलती, आप यहाँ ऐड गेम में जा सकते हो, तो भैया आपको यहाँ पर गेम्स मिल जाएंगी जो आपको डालनी होंगी। तो भैया उसके बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ पबजी मोबाइल। तो भाई अब आपके सामने भाई मेरा पबजी मोबाइल जो है भैया वो खुलने लगा है मेरे फ़ोन में, तो इसको खुलने देते हैं। तो गाइज यार, जैसा कि अब आप लोग देख सकते हो भाई, मेरा पबजी मोबाइल जो ओपन हो चुका है। एंड अब आपको यहाँ लाइव का एक बटन दिख रहा होगा, आपने बस इस पर क्लिक करना है एंड आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन सा आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ माइक की परमिशन मांगेगा, तो आपकी मर्जी है देनी है कि नहीं देनी, तो भाई वो तो देनी पड़ेगी अगर गेम खेलनी है। उसके बाद आपकी आईडी यहाँ आ जाएगी, एंड यहाँ से ऑडियंस जब आप सेलेक्ट करोगे, तो भैया मैं अभी ओनली मी कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता कि मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, भाई क्लिक नहीं हो रहा भाई मेरे से। तो भाई ऑडियंस मैंने सेलेक्ट कर दी है, अब यहाँ पर से कुछ भी टाइटल डाल देना, जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड ये मेरा टाइटल आ गया। एंड अगर आप यहाँ से कैमरा इनेबल करना चाहते हो, तो भैया कैमरा भी इनेबल कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ मेरा छोटा सा कैम जो है आ गया है, बट इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। तो भाई अब यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ गो लाइव पे, ठीक है। अब ये यहाँ से आपसे बोलेगा कि स्टार्ट कास्टिंग स्क्रीन करनी है कि नहीं करनी, एंड ओवर द ऐप ड्रॉ करने की एक परमिशन मांगेगा जो आपने दे देनी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, एंड अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भैया मैं लाइव हो चुका हूँ। तो भाई यार, अब आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा पीसी है सामने, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ आ गया है कि भैया अमन शर्मा इज लाइव नाउ प्लेइंग पबजी मोबाइल। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। तो भाई आप लोगों ने देख लिया भैया, यहाँ पर जो है मेरी गेम आपके सामने आ गई है जो यहाँ चल रही। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन में रोटेट करूँगा अपने बंदे को ना, तो वहाँ भी आपको ये दिखाई देगा। तो भाई उसके बाद मैं यहाँ से एक TDM लगा देता हूँ, तो देखते हैं कि TDM वहाँ पर होता है कि नहीं। भाई यहाँ पर 300 ms का डिले आता ही आता है भाई, अगर आप OBS से स्ट्रीम करोगे तो भी आता है, एंड नहीं करोगे तो भी आता है। आप मेरे मोबाइल में देख सकते हो भाई, यहाँ पर जो है पबजी ऑन हो चुका है मेरा TDM, एंड वहाँ पर भी सेम हो रहा है। तो भाई अब यहाँ मेरा बंदा TDM में खड़ा है, एंड मैं आगे पीछे देख रहा हूँ भाई मेरी स्क्वाड आ चुकी है, ये रैंडम स्क्वाड है। एंड आप वहाँ भी देख सकते हो भैया मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पर मैं यार आप लोगों से एक बात ध्यान देने वाली ये बोलूँगा कि भाई आपका जो गेमिंग कनेक्शन है वो सही होना चाहिए। अगर आपका गेमिंग कनेक्शन सही नहीं होगा, लाइक मतलब जो आपकी इंटरनेट की स्पीड है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, अगर वो स्पीड अच्छी खासी नहीं होगी, तो भाई साहब यहाँ पर जब आप गेम खेलोगे ना तो आपको ब्लरीनेस दिखाई देगी। इसलिए मेक श्योर कि भाई आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा है, एंड तभी आप उसके बाद फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम जो है उसे करना। तो गाइस यार, मुझे उम्मीद है यार आपको आज की वीडियो के बाद ये पता चल गया होगा कि आप फेसबुक गेमिंग पे लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हो बिना पैसे खर्च किए भाई। तो भाई यार, ये एक फ्री का मेथड है यार आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी यार ये इन्फॉर्मेशन उन तक फर्स्ट हैंड पहुंच सके। एंड अगर नया आया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो गाइज यार, मेरी मेहनत के लिए यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अब जाओ फटाफट से अपना गेमिंग करियर स्टार्ट करो यार फेसबुक गेमिंग पे। तो गाइज यार, मिलता हूँ अगली वाली एक और अगली ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ध्यान एंड बाय बाय।